विदेश की यात्रा करने का शौकीन कौन नहीं होता, कौन विदेश की यात्रा नहीं करना चाहेगा। विदेश यात्रा के लिए हम सभी सालों से प्लान करते हैं। बहुत से लोगों के लिए विदेश की यात्रा किसी बड़े शौक की तरह होती है, मगर विदेश का नाम सुनते ही हमारे मन में जेब ढीली होने का डर आ जाता है, जिस वजह से प्लान बनते बनते फ्लॉप हो जाता है। विदेश की यात्राएं काफी महंगी होती है। विदेशी यात्राएं इसलिए महंगी होती है क्योंकि कई देशों की करेंसी भारत के रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के ट्रिप करने में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप पैसे की बचत के साथ विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उन देशों को अपनी ट्रेवल लिस्ट में डालना होगा जहां पर भारतीय करेंसी उस देश की करेंसी से ज्यादा हो, ताकि आप कम पैसों में एक बेहतर ट्रिप प्लान कर सके। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर वो कौन से देश हैं जिनकी मुद्रा भारतीय रुपये से काफी कम है। इन देशों में जाकर आप करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो आप कम भारतीय पैसों देकर ज्यादा विदेशी मुद्रा पा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वियतनाम के बारे में। चीन के पास बसा ये देश वियतनाम बेहद ही खूबसूरत और शांत शहर है। यहाँ पर वियतनामी डोंग करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि यहाँ भारत का एक रुपया करीब 306 वियतनामी करेंसी के बराबर होता है, जिस कारण यहाँ पर घूमना आपके लिए काफी किफायती हो सकता है। वियतनाम में आपको बौद्ध धर्म से जुड़े कई प्रसिद्ध देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ का अलग खाना, नदियाँ और फ्रांस वास्तुकला के खूबसूरत नमूने भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। एशिया में बसा ये देश इंडोनेशिया बेहद शांत और खूबसूरत शहर है। भारत का एक रुपया इस देश में करीब 193 इंडोनेशिया रुपए के आसपास होता है, जिससे आप जान सकते हैं कि यहाँ के ट्रिप के लिए प्लान करना आपके लिए काफी पॉकेट फ्रेंडली होगा। ये देश अपने बीचेस के लिए काफी मशहूर है। यहाँ जाने के लिए भारतीय लोगों को मुफ्त वीजा मिल जाता है, इस कारण यहाँ भारतीय ट्रेवल्स का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर कई खूबसूरत जगह मौजूद है, मगर बाली नाम की जगह यहाँ की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पैराग्वे के बारे में। यह एक लैंडलॉक देश है जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह मौजूद है, जिस वजह से यह देश दुनिया भर में मशहूर है। भारत का एक रुपया यहाँ के 93.16 पैराग्वियन गुरारानी है। यहाँ पर आपको खूबसूरत झरने देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर एक सुकून और सस्ती ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है जहाँ पर आपका घूमना काफी बजट फ्रेंडली हो सकता है। इस देश में आपको कई प्राकृतिक खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। यहाँ की ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं। भारत का एक रुपया इस देश में करीब 1.87 दिनार के आसपास है। यहाँ की खूबसूरत जगहों को घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया देश भी एक एशिया का लैंडलॉक देश है। यह देश बेहद शांत और खूबसूरत है। यहाँ आपके घूमने का एक्सपीरियंस बेहद यादगार होगा। यहाँ पर मौजूद कुदरती सुंदरता आपका मन मोह लेगी। घूमने के अलावा आप यहाँ पर एक एडवेंचर भी कर सकते हैं। भारत का एक रुपया इस देश के करीब 38 मंगोलियन करेंसी है, इस वजह से यहाँ घूमना आपके लिए काफी सस्ता होगा। अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ की कॉलोनियल बिल्डिंग्स और विशाल पत्थरों से बना अंगकोट मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक हिंदू मंदिर है, जिस कारण कंबोडिया में हिंदू टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। बता दें कि भारत का एक रुपया 53.75 कंबोडियाई करेंसी के आसपास है, जिस कारण यहाँ के ट्रिप आपके लिए करना बहुत सस्ता हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी स्टोरीज और देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।